हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द एंटी हिस्टामिन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हिस्टामिन क्या है। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। एज अ एंटी हिस्टामिन जो भी हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर हमारी बॉडी पे या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। सो लेट स्टार्टेड, व्हाट इज़ एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या है? तो द ड्रग एक्ट reduce the elimination the effect mediated by the chemical histamine that जो हमारी ऐसी ड्रग या ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे हिस्टामिन के एलिमिनेशन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, या जो हमारा हिस्टामिन बन रहा है बॉडी में जो उसको हमारा एलिमिनेट कर देते हैं, उसके इफ़ेक्ट को मीडिएट कर देते हैं, या हमारा जो केमिकल हिस्टामिन है उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। जो हमारा टर्म्स है एंटी हिस्टामिन ओनली रेफर टू द H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये हमारा जो टर्म है एंटी हिस्टामिन, वो हमारे सिर्फ किसके लिए रेफर होता है? H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए। सिंपल सा मीनिंग, वो ड्रग्स, वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडिएट द केमिकल हिस्टामिन के। केमिकल हिस्टामिन जो भी हमारा बॉडी से रिड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा था, बन रहा था, हिस्टामिन के उस इफेक्ट को या तो रिड्यूस कर देंगे या फिर एलिमिनेट करते हैं। दीज आर द सब्सटेंस नोन एज अ एंटी हिस्टामिन। अब हमारे क्लिनिकल यूज़ क्या क्या होते हैं कि हम जो अपने एंटी हिस्टामिन जो भी ड्रग्स या जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उनका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? तो एलर्जिक, जो कि हमें कॉमन कोल्ड होता है एलर्जिक रिनिटिस के लिए, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए जिसमें आई हमारी पिंकिश टाइप की हो गई है, और कंजक्टिवाइटिस को आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, कंजक्टिवाइटिस का पूरा डिजीज़ भी है। एंड एलर्जिक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, अगर कोई ऐसे डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, एलर्जी की कंडीशन है, क्योंकि जब हमने हिस्टामिन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एलर्जी से रिलेटेड हमारी जो भी रिएक्शन है उसमें हमारा हिस्टामिन यूज़ में आता है। तो अब हमारे एंटी हिस्टामिन क्या है? उन्हीं सब एलर्जी की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आएंगे। तो तभी हम इनका पढ़ रहे हैं कि क्लिनिकल यूज़ हमारा क्या है। तो वेरियस टाइप ऑफ एलर्जी डिजीज़ जो होती हैं, जो उसमें हम अपने एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग को यूज़ में लाते हैं, काम में लाते हैं। एंजियोइडिमा, मतलब कि स्वेलिंग जो हो जाती है हमारी स्किन में एंड डर्मिस में हो गई, या फिर मतलब नोजिया है, वोमेटिंग है, जो भी हमारे शडेसन है, ये इस एलर्जी से कॉज होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उसमें हमारे हिस्टामिन का जो है वो यूज़ होता है। अब हम देखते हैं एंटी हिस्टामिन क्या है। एंटी हिस्टामिन आर अ ड्रग यूज टू ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ अ हिस्टामिन बाय प्रिवेंटिंग द एबिलिटी ऑफ द हिस्टामिन टू बाइंड द हिस्टामिन रिसेप्टर। एंटी हिस्टामिन हमारी वो ड्रग होती है जो कि हमारे हिस्टामिन की सिंथेसिस को या हिस्टामिन के रिलीजिंग के प्रोसेस को, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है या इनहिबिट कर देती है बाय प्रिवेंटिंग द एबिलिटी, मतलब कि उस एबिलिटी को जो कि हिस्टामिन रिलीज कर रहा है उस एबिलिटी को ब्लॉक करके, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करके हमें अपना पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। अब ये क्या करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो जाती हैं। द ट्रेडिशनल हिस्टामिन दैट आर यूज टू ट्रीट द एलर्जी। अब जो हमारा ट्रेडिशनली हिस्टामिन था वो हम देखते आए हैं कि वो हमें एलर्जी की रिएक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उपयोग में आ रहा था, एलर्जी की रिएक्शन ट्रीट करने के लिए हम यूज में लेते थे एंड ब्लॉक द H1 रिसेप्टर, और वो हमारे H1 रिसेप्टर को बाइंड अप करके अपना इफेक्ट जो है जो शो करता था। वाइल द H2 रिसेप्टर H2 एंटागोनिस्ट इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब है H2 रिसेप्टर में या H2 एंटागोनिस्ट में, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारा पेप्टिक अल्सर, एल्सर, या जो हमारा हाई अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट हो रहा था उससे हमें निजात मिल जाती है, मतलब कि हाइपर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में ये हमें इनहिबिट करके हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर जैसी चीज़ों से, बीमारियों से हमें राहत मिलती है, हमारे उसके लिए उपयोगी होता है। H4 रिसेप्टर इज अ पोटेंशियल टारगेट टू ट्रीटिंग द एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अब जो हमारा H4 रिसेप्टर होता है उसमें पोटेंशियल टारगेट होता है ट्रीट करने का, ताकि वो हमारी जो भी एलर्जिक रिएक्शन है, इन्फ्लामेटरी की कंडीशन है, या फिर अस्थमा की है, या फिर कोई एलर्जिक रिनिटिस की ऐसी कंडीशन जिससे कि हमारी जो है
बॉडी में एलर्जी क्रिएट हो रही है, तो ये हमारे H4 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करके क्या करता है, अपना एक्शन जो है, अपना पोटेंशियल है जो देगा, टारगेट सेल पे इफेक्ट करेगा, और जो हमें एलर्जी से होने वाली डिजीज है उससे हमें राहत मिलेगी, उससे हमें आराम मिलेगी। द एबिलिटी टू द H3 रिसेप्टर इज अ मॉड्यूलेट द वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर। अब H3 रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड अप होकर अपना इफेक्ट शो करेगा, तो वेरियस टाइप के जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, नोवल थेरापेटिक टारगेट एंड रिलीफ द सिम्टम्स कॉज बाय द सेवरल कंडीशन इंक्लूडिंग द मूवमेंट डिसऑर्डर, जैसे कि बहुत सारे हमारे डिसऑर्डर हैं जो कि इंक्लूड करते हैं, ओबेसिटी हो गया एंड सिज़नोफेरिनिया हो गया, एबनॉर्मल स्लीप हो गई, वेक हो गई, पैटर्न या फिर इस तरीके का जो भी हमारी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमारे H3 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो करके ये अपना इफेक्ट देते हैं, और इन सब डिजीज़ को, ओबेसिटी वगैरह को, मोमेंटम डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपना यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामिन का। इसके बाद जो हम देखते हैं कि H1 हमारा एंटागोनिस्ट या फिर H1 टाइप का हिस्टामिन क्या होता है। H1 हिस्टामिन रेफर टू द कंपाउंड इन विद द एक्टिविटी ऑफ द H1 रिसेप्टर। अब जो हमारा H1 एंटी हिस्टामिन होता है वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे H1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं या कम कर देते हैं। एंड H1 हिस्टामिन कैन बी आइदर द न्यूट्रल रिसेप्टर एंजियोटेंसिन इनवर्टेड द एगोनिस्ट। जो हमारा H1 एंटी हिस्टामिन है वो क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसको हमारा इन्वर्ट कर देते हैं एगोनिस्ट में, मतलब एंटागोनिस्ट को ये एगोनिस्ट में कन्वर्ट या इन्वर्ट कर देते हैं। एंड नॉर्मली हिस्टामिन बाइंड विद द H1 रिसेप्टर। जो हमारे नॉर्मली हिस्टामिन होते हैं वो हमारे H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो जाते हैं एंड हाइटेंस टू द रिसेप्टर एक्टिविटी। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वर्क बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ब्लॉकिंग द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर बाय हिस्टामिन। अब ये क्या करते हैं कि नॉर्मली हमारे जो हिस्टामिन होते हैं वो हमारे H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो जाएंगे। अब हमारे एंटी हिस्टामिन हमारे H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होने के बाद अपनी एक्टिविटी को ये शो करते हैं, और जो हमारा एंटागोनिस्ट है उसको वर्क बाय टू बाइंडिंग टू रिसेप्टर ब्लॉक करके देके एक्टिव कर देंगे, एंड जो हमारे इफेक्ट है हमारा हिस्टामिन का वो हमें शो होने लगेगा। क्लास में हम देख लेते हैं कि जो हमारे क्लास में है और कौन कौन सी हमारे ड्रग्स हैं, तो हाईली सेडेटिव होती हैं, मॉडरेटली सेडेटिव्स एंड माइल्ड एंड सेकेंड जनरेशन की जो हमारी ड्रग्स होती हैं, और इसमें हम देख लेते हैं डाइफिनाइल हाइड्राजीन, डाइमेथाइल हाइड्रिनेट, प्रोमेथाजीन एंड हाइड्रोक्साइजाइन, ये हमारी ड्रग हैं, एंड फेनिरामीन, ये हमारी मॉडरेट सेडेटिव में ड्रग आ रही हैं, साइप्रोहिपेडिन एंड मैक्लोजीन, ये सब हमारी ड्रग्स आ रही हैं, और हमारी माइल्ड सेडेटिव में जो ड्रग आ रही है वो हमारी आ रही है क्लोरफिनेरामाइन, डेक्सोक्लोरफिनेरामाइन, ट्राइप्रोलिडीन, ये सब हमारी ड्रग्स आ रही हैं। एंड सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स में हमारी आ रही है फैक्सोफेनाडीन एंड डेस्लोरेटाडीन, सिट्रीजीन, लीवोसिट्रीजीन, एजिलाजीन, मतलब ये हमारी सारी जो कि एलर्जिक PHB रिएक्शन है, जिसमें से काफ़ी कॉमनली हमने लीवोसिट्रीजीन और सिट्रीजीन यूज़ भी किए हैं। तो दीज आर आर ड्रग्स कम्स अंडर द जो H1 एंटागोनिस्ट टाइप है उसमें हमारी आती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है। तो हमारा H2 एंटागोनिस्ट ये हमारा लाइक H1 एंटागोनिस्ट के तरीके ही होता है, बट अकर्स इन अ इनवर्स ऑफ द एंटागोनिस्ट एंड अ नेचुरल एंटागोनिस्ट। अब ये क्या करता है कि जो हमारा सेम ऐसा ही होता है जैसे हमारा H1 हिस्टामिन होता है, लेकिन ये क्या करता है कि हमारे एगोनिस्ट को नेचुरल एंटागोनिस्ट में कन्वर्ट कर देगा या इन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारा H1 रिसेप्टर में हमारा एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन H2 में हमारा जो हमारा एगोनिस्ट है वो हमारे एंटागोनिस्ट में कन्वर्ट हो रहा, एंड आफ्टर दैट ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। दे एक्ट ऑन टू द H2 हिस्टामिन। अब ये अपना इफेक्ट जो है वो H2 हिस्टामिन के रिसेप्टर में देंगे, और मेनली फाउंड इन अ पेरिफेरल सेल एंड गैस्ट्रिक मुकोसा। अब ये हमारे जो H2 एंटागोनिस्ट हैं वो हमारे मेनली जो है वो पेरिफेरल सेल में, गैस्ट्रिक मुकोसा में पाए जाते हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द इंडोजिनस सिग्नल पाथवे ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का। अब ये हमारे पार्ट भी होते हैं इंडोजिनस सिग्नलिंग के गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का। नॉर्मली हिस्टामिन
एंजाइम जो हमारे एक्ट करते हैं H2 को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है एंड जो हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, H2 के सिग्नलिंग को बंद कर देगी, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। जो हमारे H2 एंटीहिस्टामिन अमंग द फर्स्ट थेरेपी ट्रीट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन द पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। जो हमारे एच टू एंटीहिस्टामिन्स टाइप की ड्रग है वो हमारी थेरेपी क्या करती है कि जो भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कंडीशन से रिलेटेड डिजीज है, चाहे वो हमारा पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो या फिर गैस्ट्रोइसोफेगस के रिफ्लेक्स की डिजीज हो, इन सब डिजीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आती हैं, क्योंकि ये वहाँ पे इफेक्टेड जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कर रही हैं सेल, उसको कहीं ना कहीं जाके सिक्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारी आ गई सिमेटाडीन, फेमोटिडीन, ल्यूफोटिडीन, नेजाटिडीन, रैनिटिडीन, दीज आर आर ड्रग्स आर कम्स अंडर द H2 एंटागोनिस्ट। सो अब हम देखते हैं, अब हमारे H3 रिसेप्टर या फिर H3 एंटीहिस्टामिन्स, जो हमारे H3 एंटीहिस्टामिन्स है वो क्या करते हैं, जो हमारे H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पैसिफाई ऑफ द ड्रग और यू टू ब्लॉक द एक्शन ऑफ द H3 रिसेप्टर। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर जो H3 एंटीहिस्टामिन्स हमारे होते हैं वो हमारे ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन ऑफ H3 रिसेप्टर के हिस्टामिन को, ये हमारे ब्लॉक करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर H3 हिस्टामिन। H3 रिसेप्टर रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये हमारे जो H3 एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को जो है वो रेगुलेट करते हैं एंड इन्फ्लशिंग द अमाउंट ऑफ द इंट्रासेलुलर कैल्शियम्स एंड व्हेन एक्टिवेटेड ब्लॉक द इफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। ये क्या करते हैं कि हमारे इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इन्फ्लशिंग करेंगे अमाउंट को, और तब एक्टिवेट होंगे जब हमारे कैल्शियम का इफ्लक्स जो है वो ब्लॉक होगा, तो हमारे कैल्शियम का इंट्रासेलुलर इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। व्हेन लीड्स टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीजिंग को या न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीजिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं एंड रेगुलेट द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन एंड हेटरोरिसेप्टर। अब ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हिस्टामिन के रिलीज को एंड रेगुलेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर को भी रेगुलेट करते हैं, सच एज द एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। जैसे कि हाँ, एसिटाइलकोलिन जो कि हमारे रेगुलेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, चाहे वो एसिटाइलकोलिन हो, डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो या फिर हमारी नरिफिप्रिन एंड गाबा, ये सब हमारे जो होते हैं H3 रिसेप्टर या फिर H3 एंटीहिस्टामिन्स हमारे होते हैं। एग्जांपल्स है हमारे कुछ एंटीहिस्टामिन्स के वो ड्रग्स हैं जो हम एज अ H3 हिस्टामिन यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे ब्यूरीबामाइड, थियोपेरामाइड एंड पिटोलिस्टैंट हमारी ड्रग्स आती हैं। अब ये किस लिए यूज़ में आती है, यूज टू ट्रीट द न्यूरोजनरेटिव कंडीशन। जो भी हमारी न्यूरोजनरेटिव कंडीशंस हैं उन डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपने H3 एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो अल्जाइमर डिजीज हो या फिर जो भी हो, तो जो भी न्यूरो से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम अपना यूज़ करते हैं, चाहे वो हाइपर सेंसिटिविटी का डिसऑर्डर हो। अब हमारे H4 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, The function H4 receptor has been shown and involuated the mediated the eosinophil shape and change the mast cell and chemoxis. अब हम डिटेल में देखते हैं कि थियोपेरामाइड जो कि हमारी थियोपेरामाइड हमारी जो ड्रग है वो हम एज अ H4 एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं। अब जो थियोपेरामाइड हमारी वो काफ़ी पोटेंट ड्रग है, एंटागोनिस्ट है, सेलेक्टिव हमारी H4 एंटीहिस्टामिन्स में है एंटागोनिस्ट, जो कि कैपेबल होती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में लिए। ये जो हमारे H4 एंटीगोनिस्ट्स की जो थियोपेरामाइड ड्रग है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में कैपेबल होती है एंड द ड्रग विच इज एक्ट एज अ सेलेक्टिवली एंटागोनिस्ट एंड हिस्टामिन H4 रिसेप्टर। अब जो ये ड्रग है हमारी वो पोटेंट ड्रग है और ये हमारा ऐसा एंटागोनिस्ट है जो कि हमारा एज अ H4 रिसेप्टर पे वर्क करता है या H4 रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट देता है एंड इन हैज द एंटी इंफ्लेमेटरी एंड
एनाल्जेसिक इफेक्ट द एनिमल स्टडीज एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब ये हमारा जो H4 एंटी हिस्टामिन है वो जो अपना इफेक्ट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी देता है, एनाल्जेसिक देता है। एनिमल की स्टडीज में इसमें देखा गया है कि जो हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हमारा H4 जो एंटी हिस्टामिन है वो काफ़ी यूजफुल रहा है, काफ़ी फायदेमंद रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द एंटी हिस्टामिन। और प्रीवियस के वीडियो में हमने हिस्टामिन को डिस्कस किया था, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल्स हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन। सो थैंक यू क्लास।